काशी में फेसबुक आईडी हैक कर 25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बड़कोट निवासी पीड़ित राजेंद्र कुमार का आरोप है कि हैकर ने उसके दोस्तों को मैसेंजर से मैसेज भेजकर इलाज के नाम पर 25,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब दोस्तों ने पीड़ित को फोन कर उसका हालचाल जानना चाहा, तो इस ठगी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने बड़कोट पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी पास फेसबुक आईडी हैक कर दी गई है, जिससे मेरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे मांगे गए कि हम अमुक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कम से कम 20-25 हज़ार तक अभी लोगों ने फ़ोन करके बता दिया कि हमारे इतने पैसे जो है आपके खाते में आ गए। और मैं उस रात्रि को नेटवर्क क्षेत्र से हैकर ने अलग अलग दोस्तों से गूगल पे से 25,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। ठग ने किसी से 5,000 तो किसी से 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर कराए। आईडी से मुझे मैसेज आया कि हमारे रिश्तेदार की आईडी है, मेरे दोस्त जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे पैसों की आवश्यकता है, 20,000 रुपए मुझे सेंड कर दो गूगल पे से। तो मैंने कहा, मैंने कहा मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, मैंने 10,000 रुपए उनके, उन्होंने एक फ़ोन नंबर दिया है और वो फ़ोन नंबर जो है अपोलो हॉस्पिटल के नाम से है, मैंने उस पर 10,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। तो मुझे जब मैंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैंने कोई आपको मैसेंजर नहीं किया है। तो मैं बहुत उसमें हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने यहाँ हॉस्पिटल में उसमें पुलिस थाने में रिपोर्ट। वहीं पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। अभी एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि उनका अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक कर दिया गया है और उस अकाउंट से उनके दोस्तों और परिजनों को मैसेज किए गए हैं कि वह ये हॉस्पिटल में एडमिट है और इन्हें पैसों की आवश्यकता है और जल्द से जल्द इन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिसमें अभी तक इनके दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा 25,000 रुपये तक इनके जो ट्रस्टर है उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। इस मामले में हमने एफआईआर दर्ज की गई है, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। साइबर क्राइम का असर अब पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।